माइनस एक्स बाई 15 इज लेस देन माइनस 4 बाई 15। ठीक है, तो अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक तो दोनों तरफ 1/15 का जो ये डिनोमिनेटर है उससे छुटकारा कैसे मिल सकता है, अगर हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते 15, दोनों तरफ अगर हम 15 से मल्टीप्लाई करते तो हमें 15 से तो छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर नेगेटिव साइन रह जाएगा। तो एक काम करते हैं, माइनस 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो नेगेटिव साइन से भी छुटकारा मिल जाएगा और 15 से भी, राइट। ये ज़्यादा आसान है, तो चलो भाई वैसा ही करते हैं। तो दोनों तरफ माइनस 15 से मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन चूंकि नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मेरा साइन क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। ठीक है, तो इस तरफ हो जाएगा x और इस तरफ हो जाएगा 4, तो हमें क्या मिला, x ग्रेटर देन 4। तो 4 से बड़ी कोई भी वैल्यू अपने को चलेगी, तो यानी कि सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, 4 से लेकर के इन्फिनिटी तक, इधर भी ओपन इंटरवल और इधर भी ओपन इंटरवल, क्योंकि ये ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है, तो यानी कि x इज इक्वल टू 4 पॉसिबल नहीं है, 4 से अधिक कोई भी वैल्यू पॉसिबल है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा सॉल्यूशन। और आगे बढ़ते देखते हैं एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 19। इसमें भी इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद शो द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन। जो भी सॉल्यूशन मेरा निकलता है उसे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट भी करना है, तो ये एक एडिशनल चीज करनी है। चलो ठीक है, करेंगे इसको भी। 3 × 1 − x इज लेस देन 2 × x + 4। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, आपस में मतलब लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड में सिंप्लीफाई, राइट हैंड साइड का राइट हैंड साइड में सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 3 − 3x लेस देन 2x + 8। ठीक है, सारे वेरिएबल्स को एक तरफ क्या करेंगे, 2x को राइट हैंड साइड से गायब करना है, सो −2x ऑन बोथ साइड्स। ऐसा करने पे मुझे इधर क्या मिलेगा, −3x − 2x यानी कि −5x, और इधर 2x − 2x कैंसिल हो जाएगा, तो इधर रहेगा 8। अब मुझे इस 3 को भी शिफ्ट करना है।